खबरों में आगे बदायूं के जिला अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आई है। यहां एक पति को पत्नी के शव के लिए शव वाहन भी अस्पताल की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। घंटों तक ये पति पत्नी के शव को अपने कंधों पर ढोता हुआ नजर आया। देखिए ये हैरान करने वाली शर्मनाक तस्वीर बदायूं की है, जहाँ एक बेबस पति अपनी मृत पत्नी को कंधे पर ढोने पर मजबूर है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग बीमार हो चुका है। नेताओं के दावे खोखले हो चुके हैं और अधिकारी लापरवाही की नींद में सो रही हैं। मार्मिक और संवेदनहीनता की तस्वीरें कुछ दिन में सामने आती रहती है। इस बार ये शर्मनाक तस्वीर यूपी के बदायूं से सामने आई है। यहाँ शव वाहन न मिलने की वजह से एक पति ने अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर ढोया। पत्नी का शव कंधे पर ढोते समय पति की बेबसी और आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इस मंजर को जिसने देखा सिस्टम को कोसता नजर आया। कैसे डेड बॉडी ले जा रहे हो? खत्म हो गई था। तो जिला अस्पताल में आपको एम्बुलेंस नहीं दी ना, डॉक्टर ने देखा? क्या हुआ था इसे? 11 बजे से वहीं पड़े थे। 11 बजे से वहीं पड़े थे। 11 बजे से एक्सपायर पड़ी है। बैठ रही डेढ़ बजे तक। कहाँ के रहने वाले हो? ये मामला बदायूं के जिला अस्पताल का है। वहीं जब हैरान करने वाली तस्वीर सामने आने के बाद सीएमओ से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में दो शव वाहन है, जरूरतमंदों को ये उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद हमेशा की तरह रटा रटाया जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चार्ज के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, और अगर इस तरह की घटना है तो बड़ी निंदनीय है। मैं उसकी मतलब जो है निंदा करता हूँ। सरकार से हमारे जिला चिकित्सालय में दो सब वाहन ड्राइवर सहित एवं पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, और वो केवल शवों को लाने ले जाने के लिए सहायता एजेंसी बने। हाँ, ये अगर इस तरह की घटना घटित हुई है तो निश्चित रूप से एक लापरवाही का द्योतक है, और इसमें उनका जवाब तलब करूंगा। इस हैरान करने वाली तस्वीर से साफ हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग का हाल बेहाल है। शासन और प्रशासन स्वास्थ्य महकमे में सुधार लाने का जो दावा कर रहे हैं वो खोखले है। अब देखना होगा कि सीएमओ जो जांच की बात कह रही है वो कब तक पूरी होती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। बदायूं से विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज। उधर यूपी